जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र कूट जी की। एक आदमी शराब के नशे में धुत्त होकर अपनी खाट पर पड़ा था। अचानक नशे की हालत में वो खाट से गिर पड़ा। धम्म की आवाज आई। जैसे वो नीचे गिरा, जोर से आवाज लगाकर उसने पूछा, अपने नौकर से पूछा, अरे रामू देख तो कौन गिर पड़ा, अरे रामू देख तो कौन गिर पड़ा। नौकर ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हजूर आप स्वयं। हंसी आ रही है आपको, लेकिन ऐसा ही होता है। शराब के नशे में व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं होती, होश हवास नहीं होता। थोड़ा देखो उनका, उनको कुछ समझ नहीं रहती, मैं कहाँ हूं, कौन हूं, क्या हूं, इसका कोई अता पता सा नहीं रहता। जो दशा शराब के नशे में मस्त रहने वाले व्यक्ति की होती है, वैसी ही दशा आज के प्राणी की है। शराब के नशे में रहने वाले लोगों का नशा तो 2, 4, 6, 8 घंटे के लिए होता है, समय पाकर अपने आप उतर जाता है। लेकिन हर प्राणी के भीतर जो नशा चढ़ा है वो जन्मांतरों का है, और रोज बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं। उसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, अपनी पहचान नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं। पता है वो कौन सा नशा है? कौन सा नशा है? मोह का नशा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। संसारी प्राणी ने मोह के महामद को पी लिया और अपने आप को भूल दिया। अपने आप को भुला देने का परिणाम है कि आज हम इस संसार में रुल रहे हैं। संत कहते हैं अपने आप को जानो, पर जानोगे कब? जब तुम होश में रहोगे तब। और होश आएगा कब? जब नशा उतरेगा तब। सवाल नशा के उतरने का है। आपने कभी विचार किया, किसी व्यक्ति को जब नशा चढ़ता है तो उसे उतारने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे खटाई खिलानी पड़ती है। खटाई खिलाने से नशा उतरता है और मिठाई खाने से नशा चढ़ता है ना? ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है भैया, नहीं तो तुम लोग कहो, लेकिन हमने देखा है ना? देखा भी है कि जो नशा करते हैं वो मिठाई खाते हैं, और उतारना हो तो खटाई खिलाया जाता है। अब तुमसे पूछता हूं, नशा बढ़ाना या उतारना है? उतारना है ना? उतारना है। अपने नशे को उतारो तब तुम अपने जीवन के भूल को सुधार पाओगे, और जब जीवन के भूल को सुधारोगे तभी तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो सकेगा। तो नशा को उतारने के लिए क्या करना है? बीत रागता की खटाई का, भेद विज्ञान की खटाई का सेवन करना है।
अभी तो तुम विषयों की मिठाई में पागल हो, वो तुम्हें रुचिकर लग रही है, इसके कारण तुम्हारी भोगाकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ रही है और तुम्हारा मोह प्रभावी होता जा रहा है। उसे जीतने के लिए हमें वेद विज्ञान करना होगा, ज्ञान की खटाई अपने अंदर डालनी होगी, तब हम अपने जीवन की सही समझ पा सकेंगे। अपने जीवन को हम ठीक तरीके से समझें। कल मैंने कहा था कि सात तत्वों पर जब तक हम सही दृष्टि नहीं रखते, उनके प्रति सही समझ और श्रद्धा विकसित नहीं करते, अपने जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जीव के संदर्भ में मैंने कल आपसे कहा था, जानो, जागो, जीतो, जियो। आज बात अजीव की है। अजीव क्या है? जब कभी भी हम अजीव की बात करते हैं तो ये समझ कर बैठ जाते हैं कि जीव से रहित, चेतना से रहित जो कुछ भी है सब जड़ है, अचेतन है, अजीव है ना? हमारी अजीव के विषय में यही धारणा है। इसी धारणा और मान्यता के साथ हम अजीव की चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई में देखो, क्या तुम्हारे मन में कोई भ्रांति नहीं है? तुम्हारे मन में भ्रांति नहीं है? ये भ्रांति तो तुम्हें उलझाती है। तुम्हारे संपर्क में जितने व्यक्ति आते हैं जिनके प्रति तुम्हारा गाढ़ अनुराग है, तुम्हारे परिजन हैं, तुम्हारे संबंधी हैं, तुम्हारा शरीर है, इसके प्रति तुम्हारी क्या धारणा है? ये तुम्हें जीव दिखता है या अजीव? क्या दिखता है, चेतन या अचेतन? हाँ, क्या मानते हो बोलो? मानते तो चेतन है, असल में क्या है? हाँ, शरीर क्या है? जो दिख रहे हैं वो क्या है? अचेतन। मान क्या रखे हो? चेतन। तो चेतन को अचेतन को चेतन मानना और चेतन को अचेतन मानना भूल है या समझदारी? और भूलने वाला संसार में रुलेगा कि तरेगा? हाँ, तब क्या करना है तुम्हें, तरना है या रुलना है? तो क्या करोगे, भूल को सुधारोगे कि जहां के तहां रहोगे? एक हमारी भूल, अजीव विषयक भूल, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। शरीर के स्तर पर जीने वाले व्यक्ति आत्मा के सच्चे श्रद्धानी नहीं होते, और जो आत्मा के श्रद्धानी नहीं हैं उन्हें अनात्मा का भान भी नहीं होता, और जिन्हें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं उनका कभी कल्याण नहीं होता। शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझिए। आत्मा से भिन्न संसार में जो कुछ भी मुझे दिखने को मिल रहा है वह सब अचेतन है। सचेतन दिख रहे हैं पर है क्या? अचेतन है। क्यों है अचेतन? क्योंकि उनका लक्षण वैसा है। लक्षण क्या है? जिसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, वह सब अचेतन है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये चेतन है या अचेतन बोलो? तो मुझे जो कुछ भी दिख रहा है उसमें रूप है, उसमें रस है, उसमें गंध है, उसमें स्पर्श है, तो वो क्या दिख रहा है, चेतन या अचेतन? और तुम मान क्या रहे हो? बस इसी मान्यता को बदलो।
महाराज आज तो आपने चकरा दिया, अब तो मैं बोलूं कि तू अचेतन है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। किसी से ये कहने की बात नहीं है कि अचेतन है या अचेतन, अंदर में समझ रखने की बात है कि मुझसे बाहर जितने भी चीजें हैं वो पर हैं और जड़ हैं, चेतन नहीं है। मुझे अपनी चेतना से अनुराग रखना है, जड़ से कोई अनुराग नहीं रखना। जड़ के अनुराग के कारण ही मैं संसार में भ्रमा हूं। आज की चार बातें आपसे कहूंगा, भ्रम, यथार्थ, बिंब, प्रतिबिंब। क्या है? भ्रम, यथार्थ, बिंब, प्रतिबिंब। भ्रम क्या होता है? कुछ को कुछ समझने का नाम भ्रम है, है ना? छत पे खड़े हो, क्षितिज को निहारो, कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? 10-5 मील आगे जाए, धरती और आसमान मिलकर एक हो गया लगता है, दिखता है, पर क्या ये यथार्थ है? इस धरती के किसी भी छोर में ऐसा है जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुए हो? नहीं ना। सामान्य व्यक्ति तो इस भ्रम में जीता है कि धरती आसमान मिलकर एक हो गए, लेकिन जो यथार्थ से परिचित होता है वो कहता है नहीं, ये तो केवल भ्रम है, एक दिख रहे हैं एक नहीं है, है ना? एक दिख रहे हैं एक नहीं है। इसी तरह शरीर और आत्मा के एक हो जाने के कारण, उनके साथ अनादि से एकत्व बने रहने के कारण हमें शरीर ही आत्मरूप दिखता है, पर शरीर चेतन नहीं है। चेतन ने धार रखा है, है या चेतन? चेतन के संपर्क और संसर्ग से चेतनवत प्रतिभाषित हो रहा है, पर यह चेतन नहीं है, यह जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रांत है, जो भ्रम में जीते हैं, जिन्हें जीवन के यथार्थ का ज्ञान नहीं, उनके लिए शरीर ही सब कुछ है। वो कहेगा तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मानते हुए सारा जीवन अपने इसी शरीर की सेवा शुश्रूषा में लगा करके खपा देता है। उसे जीवन की वास्तविकता का पता नहीं, वो अपना सारा जीवन उसके लिए खपाता, उस शरीर के लिए खपाता है, जिसकी जिंदगी भर सेवा करने के बाद एक दिन ये धोखा दे जाता है। बोलो, होता है ना? शरीर सबका धोखेबाज है कि नहीं? बोलो। आखिरी में आप लोग कहते क्या करूं, शरीर साथ नहीं देता। जिंदगी भर तुमने उसका साथ दिया और वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। सीख लो, क्यों उसके पीछे लगे हो? शरीर को इस तरीके से तैयार करो कि तुम्हें कभी ये लाचारी में कहने की नौबत ना आए कि क्या करूं शरीर साथ नहीं देता। अगर ठीक तरीके से तुम अपने शरीर का उपयोग करोगे तो आखिरी तक स्वस्थ बने रहोगे। शरीर मजबूर होकर तुम्हारा साथ देगा, लेकिन शरीर को ज्यादा लाड़ प्यार दोगे ना तो ज्यादा लाड प्यार वाला बच्चा बिगड़ता ही है। ये अनुभव है कि नहीं? ये अज्ञानता है तुम्हारी, इसी अज्ञानता इसी भ्रम के कारण मनुष्य संसार में दुखी होता है। अपने अंदर के भ्रम का निवारण होना चाहिए कि शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध दिख रहा है, पर ये दोनों भिन्न भिन्न है। इसी प्रतीति का नाम अजीव तत्व का वास्तविक श्रद्धान है। मैं चेतन हूं, यह देह अचेतन है, इसे समझो। दिख रहा एक पर एक नहीं है, एक मेक है एक नहीं है।
जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाए, पर एक होने के बाद भी दोनों की सत्ता पृथक पृथक है, वैसे ही शरीर और आत्मा मिलकर एक हो गए हैं, लेकिन इनकी सत्ता पृथक पृथक है। हाँ, जब तक आत्मा शरीर के संसर्ग में रहता है तो संसार के थपेड़े खाता है, शरीर से मुक्त होते ही आत्मा शुद्ध बुद्ध हो जाता है। आपने देखा लोहे को अग्नि से तपाया जाता है, और जब लोहार अपनी कार्यशाला में आता है तो सबसे पहले अपनी धोकनी को प्रणाम करता है जिसमें अग्नि जलती है ना, और उसके बाद किसी लोहे को ठीक करना होता तो उसमें तपाता, और तपाने से लोहा एकदम अग्नि में तपकर लाल आग जैसा हो जाता है, होता है। तो एक रोज एक लोहार ने एक लोहे को तपाया, अग्नि से तप्त तो होकर लाल लाल हो गया, और लाल होने के बाद उस लोहे को करना था सीधा, वो टेढ़ा था, उसको रेहन पर रख कर घन मारा, जोरदार आवाज हुई, अग्नि चटपटा एकदम छटपटा पड़ी, उसकी फुलिंगे उठी, और लोहार के चरणों में जाकर निवेदन किया कि ये क्या नाटक, सुबह आए सबसे पहले मुझे प्रणाम किया और अब मुझ पर प्रहार, सुबह आए तब तो मुझ पर प्रणाम किया, तब तो मुझे प्रणाम किया और अब प्रहार कर रहे हो, ये कैसा नाटक। तो लोहार ने कहा कि अग्नि माता, तुझे तो मैं अब भी प्रणाम करता हूं, अग्नि माता तुझे तो अब भी मैं प्रणाम करता हूं, तेरी पिटाई तो लोहे की संगति के कारण हो रही है, तो इस टेढ़े लोहे के साथ है इसलिए पिटाई हो रही है, अगर शुद्ध होती तो तेरी कोई पिटाई नहीं। तो जो दशा अग्नि की है वही दशा आत्मा की है, अग्नि टेढ़े लोहे के संसर्ग में आकर पिटती है, आत्मा शरीर के संसर्ग में आकर के पिटता है, कर्म के थपेड़े खाता है। उसका संबंध विच्छेद हो, कब होगा, जब हम यथार्थ को पहचानेंगे, जीवन के सत्य को जानेंगे, मर्म को जानेंगे। ये यथार्थ क्या है, भेद विज्ञान। शरीर और आत्मा एक जगह है पर एक नहीं है, इसका ज्ञान, यथार्थ का ज्ञान। देह और आत्मा की भिन्नता का बोध यथार्थ ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, जो हमें निज की पहचान करा दे, वो यथार्थ हमारे अंदर जागे, भ्रम टूटे, सत्य को पहचानने की दृष्टि अंदर विकसित हो। जब वो दृष्टि विकसित होगी तो हमारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। दृष्टि अंदर में विकसित होनी चाहिए, यथार्थ को जानो। है तुम्हारे अंदर दृष्टि, यथार्थ क्या कहता है, अरस मरो अमगंधम अब्बतम चेदना गुणमसद्धम जानलिंग गहनम जीव मणि डिट्ठ संठानम। आचार्य कुंद कहते हैं, तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहता है तो एक बात गांठ में बांध ले कि तू अरस है, तुझमें रस नहीं है, अरूप तेरा कोई रूप नहीं है। अरस मरु मगंधम, तुम अगंध हो, तुझमें कोई गंध नहीं है। अबत्तम, तुम्हें किसी शब्द आदि के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। मशद्दम, तुम शब्दातीत हो, तुम शब्द रूप नहीं हो। अरस मरु मगंधम अबत्तम असद्दम जान अलिंग गहनम, तुम्हें किसी भी इंद्री के द्वारा किसी साधन के द्वारा जान नहीं जा सकता।
अनिदिठ संठानम, तुम्हारा कोई निर्दिष्ट आकार नहीं, तुम निराकार हो। ऐसे जीव को जानो, चेदला गुणम असद्दम, चेतना रूप गुण वाले हो, बस वही जीव है। तुम्हारे संपर्क में जो आ रहा है उसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द रूप है, लिंग से पहचाना जाने वाला है, किसी न किसी आकार वाला है, वह जीव नहीं है। इतने यथार्थ को जाने लो, जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे गुरुदेव एक कारिका को बार बार दोहराते हैं, जड़ चेतन के भेद को स्पष्ट करने वाली एक कारिका आचार्य पूज्यपाद ने लिखी, अचेतन मिदम दृश्यम मदृश्यम चेतनम तथा, अचेतन मिदम दृश्यम मदृश्यम चेतनम तथा, क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि माध्यस्थोहम भवाम्यतः। क्या गहरी बात है, जीवन के यथार्थ का बोध कराने वाली बात है। इदम दृश्यम सर्वम अचेतनम, अचेतनम इदम दृश्यम, जो कुछ भी दिख रहा वो क्या है, अचेतन। ये लीला किसकी, तुम्हारी या जड़ की? रस ले रहे हो जड़ से प्रभावित होने के कारण। अचेतनम इदम दृश्यम, ये सब कुछ जो दृष्टिगोचर हो रहा है अचेतन है, और चेतनम अदृश्यम तथा, और जो चेतन वो दिखाई नहीं पड़ता, जो दिख रहा है वो अचेतन है और चेतन उसे देखा नहीं जा रहा है। क्वरुष्यामी कतुष्यामी, किसमें रोष करूं किसमें तोष करूं, दोनों मेरा नहीं है। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, और जो मैं हूं वो दिख नहीं रहा है, जो चेतन है वो दिख नहीं रहा है। तो जो है ही नहीं सामने, उसके लिए क्या रो और क्या शोक करूं। क्वरुष्यामी क्वतुष्यामी, कहां राग करूं कहां द्वेष करूं, ये सब पर है। इसलिए माध्यस्थोहम भवामी, अतः अहम माध्यस्थो भवामी, इसलिए मैं माध्यस्थ होता हूं, न्यूट्रल हो जाता हूं। अपनी प्रवृत्ति में सहजता लाने के लिए इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। पहचानिए, स्वपर को जानिए, आत्मा निज है और अनात्मा पर है, जीव निज है अजीव पर है, चेतन निज है अचेतन पर है, फिर भी पर में तत्पर है। भैया ये तत्परता कब तक, क्यों, किसके लिए, इसे पहचान लो, जान लो, अपने भेद विज्ञान को प्रगाढ़ करो। निज पर का ज्ञान होने वाले को ज्यादा सुख दुख नहीं होता। कल मैंने प्रवचन किया, उसके बाद एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज आपके प्रवचनों को सुन ले तो सब मुनि बन जाए। बोले महावीर भगवान के प्रवचन सुन करके मुनि नहीं बने तो मेरे बन के, कि मेरे सुनकर क्या बनेंगे, कौन बनेगा। ऐसे एक प्रवचन से तुम लोग बन जाते तो हो जाता, तुम लोग तो सब बिल्कुल साउंड प्रूफ हो। उतनी एंट्री होती जितनी देनी है ना, बाकी तो ठीक है, जितनी देर प्रवचन सुन लिया उतनी देर की दुनिया अलग, बाहर गए तो बात अलग। लेकिन हाँ, कुछ संस्कार जब मन में जम जाते हैं तो हैम्बरिंग होती है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि जिसे भेद विज्ञान है वो सब मुनि बन जाता है, भेद विज्ञानी गृहस्थ भी होता है, लेकिन
उस वेद विज्ञानी के हस्त में और एक सामान्य के हस्त में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्रिया ऊपर से एक सी दिखती है लेकिन अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। एक कार्य कोई व्यक्ति उपादेय बुद्धि से करता है और उसी कार्य को कोई व्यक्ति हे बुद्धि से करता है, अंतर है। किसी काम को आप पूरे रुचि से कर रहे हैं और किसी काम को आप मजबूरी से कर रहे हैं, क्या दोनों में मानसिकता एक सी होती है? बोलो, हाँ नहीं ना। आप कभी मिठाई खाते हो? खाते ही हो, रोज ही खाने हो। कई लोगों का तो भोजन की शुरुआत ही मिठाई से होती है, और डायबिटीज हो जाए तो बात अलग है। मिठाई खाते हैं? हाँ, वो लोग ज़्यादा खाते हैं। अब मान लीजिए मिठाई खाते हैं, तो मिठाई तो आप चाव से खाते हैं, खाते हो कि नहीं? रुचि ले लेकर खाते हैं। लेकिन कभी दवाई खानी पड़े तो क्या करते हो? दवाई कैसे खाते हो? उतनी चाव से जितनी चाव से मिठाई खाते हो, क्या करते हो? खाते नहीं हो, खानी पड़ती है, मजबूरी में खाते हो। मिठाई चाव से खाते हो, दवाई बचाओ में खाते हो। अरे नहीं करे तो क्या करे, खाना पड़ रहा है। एक में चाव है, एक में बचाओ, दोनों के भाव में कितना अंतर है? क्या दोनों का भाव एक है? अलग अलग है ना। दोनों में कितना बड़ा अंतर? बस यही अंतर होता है एक ज्ञानी में और एक अज्ञानी में। अज्ञानी संसार की क्रियाओं में रम जाता है और उन्हें वैसे ही चाव से अपनाता है जितने चाव से आप मिठाई खाते हो। और ज्ञानी जिसे जीवन के यथार्थ का बोध होता है, वो संसार में रहता है पर स्वयं में रमता है। उसके अंदर चाव नहीं, केवल बचाव का भाव होता है। वो मिठाई की तरह नहीं, दवाई की तरह उनका अनुपान करता है। एक दृष्टि तो बदले। सब कुछ करते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में यदि तुम समर्थ हो गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, ऐसा समझना। वो स्वतंत्र पहचान बनाओ जिससे बेड़ा पार हो सके, जीवन का उद्धार हो सके, वो मार्ग अंगीकार करो। वो दृष्टि होनी चाहिए। वो भेद विज्ञान के उद्घाटित होने पर होगा। सम्यक दृष्टि के पास दो बड़ी शक्तियां होती है। सम्यक दृष्टेर भवति नित्यं ज्ञान वैराग्य शक्ति। एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के भीतर दो प्रचंड शक्तियां होती है, ज्ञान की और दूसरी वैराग्य की। ज्ञान से वो अपनी पहचान करता है और वैराग्य से अपनी सुरक्षा करता है। इसलिए वो ज्यादा रचता पचता नहीं है। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली लोग भी सम्यक दृष्टि होते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि हो गया यानी सब छोड़ ही दिया। छोड़ेगा तो फिर ऊपर चला गया। लेकिन संसार में भी रहते हैं, भूमिका के अनुरूप विषय कषायों का उपभोग भी करते हैं, लेकिन क्या मानकर? हे मानकर, उपाधि मानकर नहीं। बस इतनी सी दृष्टि तुमने बदल ली तो तुम्हारा जीवन उसी क्षण सुखी हो जाएगा, दुखी नहीं रहोगे। तो भ्रम को तोड़िए, यथार्थ को जानिए। समझ गए? तो पहली बात भ्रम, दूसरी बार यथार्थ। यथार्थ सामने आते ही भ्रम चला जाता है। दिया के जलते ही अंधेरा छट जाता है। यदि आज भी तुम्हारी दृष्टि भ्रांत है तो तुम अभी धर्मात्मा नहीं हो। आचार्य कहते देहांत देहात्म विभ्रांत तो बहिरात्मा। जिसकी शरीर में ही आत्मबुद्धि है वह सब बहिरात्मा है, उसने भी आत्मा अनात्मा को जाना ही नहीं, वो भ्रांत है। लेकिन जिन्होंने अपनी अंत आत्मा को अपने अंतर जान लिया है, उसका सारा विभ्रम नष्ट हो गया, भ्रांति टूट गई, उसने अपने आप को पहचान लिया। आप कहोगे महाराज हमेशा सुनते हैं,
जितने भी प्रवचन होते बात तो यही होती है, लेकिन फिर भी इसका असर हम पर क्यों नहीं पड़ता। मैं आज उसकी भी थोड़ी सी बात आपसे कर रहा हूं। मेरे अंदर ये यथार्थ कैसे प्रकट हो, कुछ उपाय आप कीजिए। हमारे अनादि का संसार संस्कार कैसा हम पर पड़ा हुआ है, देह रूप अपने आप को मानना, रागी देशी मोही रूप अपने आप को मानना, कर्म सहित मानना, जो हमारी संसारी दशा है, दीनहीन बनी हुई है। हमें अपनी आत्मा का यही परिचय है और यही अनुभव अनादि का बना रहा है। हमने अपनी धारणा ऐसी ही बनाई, इसी अनुरूप हम अनादि से जीवन जीते आ रहे हैं। वो संस्कार हमारी चित्त चेतना पर हावी है, तो आज भी वही अनुभव में आता है। जैसे संस्कार हमारे अंदर जमे वैसा हमारे अंदर अनुभवन होता है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो ये एक बड़ी ग्रंथि है, जिसे मोह की ग्रंथि कहूं, मिथ्यात्व की ग्रंथि कहूं, उसको भेदना है, काटना है। तो आज मनोविज्ञान में अनेक प्रयोग हुए। हमारे यहां कहते हैं कि अपने कर्मों की निर्जरा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में जो संस्कार पड़े हैं उनको जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। और उसे डिलीट करने का सीधा सा तरीका है, हम जैसा होना चाहते हैं वैसे संस्कार भरने लगें, पुराने अपने आप खाली होंगे। और जिस दिन अच्छे संस्कार पूरे भर जाएंगे, पुराने पूरी तरह खाली हो जाएंगे, जीवन पलट जाएगा। ये मनोविज्ञान कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यही कहता है, समझ गए। तो हम क्या करें, हमारी साधना में हमें यही बताया गया है कि तुम जो हो उसका बार 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 स्मरण करो। मैं आत्मा हूं, 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 रटना नहीं, अपनी चेतना में से दोहराना। बहुत सारे लोगों को तो आत्मा की बात ही पसंद नहीं आती, आत्मा शब्द सुनते ही वो कहते ये कहाँ आ गए, गलत बात। इसे दोहराना होगा, सोहम सोहम सोहम, शुद्धो हम शुद्धो हम शुद्धो हम, बुद्धो हम बुद्धो हम बुद्धो हम, चैतन्यो हम शाश्वतो हम, सुख रूपो हम ज्ञान रूपो हम, ज्ञानस्वरूपो हम, चिदानंदो हम परमानंदो हम, अमूर्तो हम अरूपो हम। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं, इनमें से एक दो सूत्र को आप दोहराइए और बार बार अपने अंदर भाइये। हमारे यहां तो एक ही सूत्र कह दिया, सोहम इत्तात संस्कारात तस्मिन विभावनिया पुनः तत्रेव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थितिम। मैं वह परम तत्व अरूप आत्मा हूं, बस सोहम जो इंद्रियों से अतीत, विषयों से अतीत, मन के पार, विकार रहित, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा चेतन है, वह मैं हूं, जिसमें कोई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, विकार नहीं, विचार नहीं, वो मैं हूं। बार बार दोहराइए, नियमित इसका अभ्यास कीजिए तो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सोहम सोहम सोहम, शुद्धो हम शुद्धो हम शुद्धो हम। ये आप यदि नियमित अभ्यास करने लगे तो फिर धीरे धीरे इस भावना के बदौलत एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप अपने आप में वैसा अनुभव भी करने लगोगे।
और जब उस अनुभूति में पहुंच जाओगे तो शरीर और शरीर आश्रित सुख दुख तुम्हें रंच मात्र भी प्रभावित नहीं करेंगे। अभी तो उसी में रचे पचे संस्कार वैसे बने। कहते दक्षिण अफ्रीका में एक अभिनेता था, वह अब्राहम लिंकन का 35 वर्षों तक अभिनय किया। 35 साल तक केवल एक व्यक्ति का किरदार निभाया, अब्राहम लिंकन का। और वो ऐसा अभिनय किया कि वो अपने आप को अब्राहम लिंकन बोलना शुरू कर दिया। आई एम अब्राहम लिंकन। उसके अंदर ऐसे गहरे संस्कार, चाल ढाल वैसी छड़ी लेके चले, अपने आप को अब्राहम लिंकन कहना शुरू कर दिया। एक बार लोगों ने उसे उसके अंदर का सच उगलवाने के लिए लाई डिटेक्टर पर रखा, झूठ पकड़ने की मशीन पर लिटा दिया। जब उसने देखा कि झूठ पकड़ने की मशीन पर मुझे ले आके रख दिए, तो उसने सोचा भैया इस झमेले में कब तक फंसेंगे, मैं कह देता हूँ मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं सोचा और कह दिया मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूँ। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, मशीन ने नेगेटिव बता दिया, झूठ बोल रहा है, मशीन झूठी हो गई। क्यों? उसकी चेतना में मैं लिंकन हूं इतना गहरा गया। अभी तुम्हारे अंदर भी राग देश मोह के संस्कार इतने गहरे हैं कि कभी तुम आत्मा कहो तो लाई डिटेक्टर कहेगा इट इज रॉन्ग, है ना। लेकिन यदि इसके उलट मैं आत्मा हूं ये संस्कार गहरा जाए तो तुम कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। अपने स्वरूप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। जड़ चेतन के भेद का यही महत्व है। हम छह द्रव्य की विवेचना कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला। आत्मा अनात्मा को जान ले तभी उत्थान होगा। हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, पर को ही अपना माना, इसमें उलझ करके रह गए। हमें उसे पहचानना है। पहचान हो, ज्ञान हो तो कल्याण होगा। स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तो बड़ा गड़बड़ होता है। एक बार ऐसा हुआ, शायद ये उदाहरण यहाँ सुनाया कि नहीं सुनाया, वो सुनाया क्या कांच वाला उदाहरण यहाँ, किसान और कांच वाला उदाहरण यहाँ सुनाया कि नहीं सुनाया? नहीं सुनाया, सुना दूँ? नहीं तो दूसरा भी है, चलो इसी से शुरुआत करता हूँ, सुन लिया हो तो दूसरा सुना दूंगा, बता देना। प्रसंग है इसलिए बहुत अच्छा है। एक किसान था, खेत पे काम कर रहा था, अचानक उसे एक चमकदार चीज दिखाई पड़ी। उसके निकट गया, देखा तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, उसने सोचा अरे ये क्या, ये तो मेरे पिताजी की छवि से मिलती जुलती छवि है। सुना दिया क्या? हो गया, चलो दूसरा सुनाता, हो गया, अब याद आ गया। कम से कम आप लोगों की स्मरण शक्ति का भी टेस्ट हो जाना। कवि ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा, अपन पो आप हो विशरो, अपन पो आप हो विशरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में, जैसे स्वान कांच मंदिर में, भरमते भूखी मरो, अपन पो आप हो विसरो, वैसे ही गज फटक सिलामणि, वैसे ही गज फटिक सिलामणि, दस ननियानी अरो, अपन पो आप हो विसरो, जो केहरी बपू निरखी कूप जल, जो केहरी बपू निरख कूप जल, प्रतिमा जाने परो, अपन पो आप हो विसरो, मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहूरे, मरकट मुठी
स्वाद नहीं बिहूरे, घर घर रटत फिरो अपन पो आप हो विशिरो। कहत कबीर ललनी के सुगना, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो अपन पौ आप हो विशरो। बड़ा मार्मिक भजन है, बिंब और प्रतिबिंब की बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक कुत्ता ऐसे महल में प्रवेश कर गया जो कांच का था। कांच की दीवारें, कांच की छत, कांच का फर्श, सब तरफ कांच। अब क्या हो सकता है, कुत्ता जैसे ही उस कक्ष में गया, उसे सब तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखाई पड़े। कुत्ता इधर अकेला, चारों तरफ हजारों कुत्ते। कुत्ता घबरा गया, मैं अकेला हजारों के बीच। कुत्ता घबरा उठा, और अक्सर जब आदमी खुद डरता है तो औरों को डराना चाहता है, तो वो घबरा करके इन कुत्तों को डराने के लिए भौंका। तो जैसे ही कुत्ते ने भौंका, हजारों कुत्ते एक साथ उस पर भौंक गए। अब रात भर ये खेला खेल चलता रहा। सुबह होने के बाद जब उस कक्ष को खोला गया तो देखा गया वो कुत्ता वहां लहूलुहान था, मर चुका था। सवाल है, कुत्ते को किसने मारा? कुत्ते को किसने मारा? उसके भ्रम ने। काश उसे पता चल रहता कि मैं तो बिंब हूं, ये सब प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब में उलझ गया, मर गया। संत कहते हैं बिंब को पहचानो। जो तुम्हारे भीतर का आत्मा हो बिंब है, उसे पहचानो। और संसार का यदि जो कुछ भी विस्तार है, उसी आत्मा का विकारी विस्तार है, प्रतिबिंब है, उसे अपना मत मानो। उसे अपने समान मत मानो, उसे पर मानो, उसकी तरफ तटस्थ रहो, उनकी साथ कोई प्रतिक्रिया मत जोड़ो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन लोग बिंब को तो भूलते हैं, प्रतिबिंब से उलझते हैं, है ना? ये संसार की जितनी भी पर्याय है, ऊपर का छोला है, अंदर का स्वरूप, पर हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं। किनके ऊपर ध्यान? इस बाहरी रूप पर ध्यान है, इसमें उलझ कर रह जाएंगे, जीवन कैसे धन्य होगा? वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननी आना रो। इस फटिक की शिला के आगे कोई हाथी आता है तो उसे लगता है कि कोई हाथी इसके अंदर घुसा हुआ है, और वो अपनी दांतों से और अपने माथे से उस शिला को तोड़ने की कोशिश करता है, फोड़ने की कोशिश करता है, पर शिला नहीं टूटती, उसके दांत टूटते हैं, उसका माथा फूटता है। उसमें कोई हाथी हो तब तो निकले, लेकिन बिंब प्रतिबिंब में उलझ गया। जो केहरी बपु निरख कूपजल, वो कहानी आप सबको याद होगी, पंचतंत्र की कथा है। जंगल में एक शेर था, उसका बड़ा आतंक था, सारे जंगल के प्राणी उससे बड़े दुखी रहते थे। एक रोज जंगल भर के सारे प्राणियों ने मीटिंग की कि भैया देखो, शेर है, बलिष्ठ है, राजा है, वो भूखा तो रह नहीं सकता, लेकिन उसके चक्कर में हम सबकी नींद हराम होती है। मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ, उस पूरे की पूरी सभा में एक सियार ने प्रस्ताव रखा कि मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ कि हम सब आपस में तय कर ले और प्रतिदिन एक जानवर उसके पास चले जाए ताकि बाकी सब निश्चिंत होकर के रहे। सबको प्रस्ताव अच्छा लगा कि भैया चलो एक जाएगा, बाकी तो बचेंगे, अभी तो कोई चैन से नहीं सो सकते। प्रस्ताव हो गया और सबने तय किया कि शेर के पास चले। कौन चले? बोले सब चलो। एक साथ सारे जानवर जंगल के शेर के पास गए।
शेर अपने गुफा के दरवाजे पर बैठा था। अपने सामने सारे जानवरों को आता देख के शेर को आश्चर्य हुआ, जो मेरी गंध से दूर भागते थे आज एक साथ कैसे आ गए। जब सामने आया तो शेर ने साश्चर्य पूछा कि भाई तुम सब आज इकट्ठे ऐसे कैसे आ गए, क्या बात है। बोले महाराज आप राजा हैं, हमारे प्रजा हैं, आप हमारे अन्नदाता हो, हमारे संरक्षक हो। हम लोगों ने विचार किया कि हमारा राजा जो हमारे लिए जान देता, हमारी रक्षा करता है, वो अपने भोजन के लिए दर दर फिरे यह शोभा नहीं देता। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है प्रतिदिन हम में से एक प्राणी आपकी सेवा में आ जाएगा। शेर ने कहा अच्छा हाँ, तो कहे देखो गड़बड़ नहीं करना। बोले नहीं गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ करोगे एक को भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज कैसे गड़बड़ होगा, आपका राज है, हम आपकी आप राजा हो, हम प्रजा है। शेर ने मन में सोचा अच्छा है, कई दिनों को उपवास से तो बचूंगा, मेहनत नहीं होगी। अब प्रतिदिन एक एक जानवर जाने लगा, रोज का क्रम हो गया, एक 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 जानवर जाने लगा। जिसका नंबर आता वो बेचारा रोता, बाकी सब निश्चिंत। एक रोज एक खरगोश का नंबर आया, खरगोश निकला नहीं। बाकी जानवरों ने कहा भैया सब पर सहमत आएगी, जा तो इतने देर की कर दिया अभी तक गए ना। बोले मैं जाता हूँ। बोले देख सब पर सहमत आएगी। बोले आप चिंता मत करो, आज के बाद किसी पर सहमत नहीं आएगी। हाँ तू लड़ेगा क्या शेर से? बोले चिंता मत करो, तुझमें खून कितना है? बोले ताकत से नहीं लड़ा जाता, टेक्निक से लड़ा जाता है, शक्ति से नहीं युक्ति से लड़ा जाता है। मैं लड़ूंगा और आप चिंता मत करो, आज के बाद किसी को शेर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, खरगोश निकला, 3 घंटे लेट निकला, शेर के पेट में चूहे कूद रहे थे। वो बार बार अपने गुफा के द्वार पर चक्कर लगा रहा था। 3 घंटे के बाद आया भी तो खरगोश जैसा प्राणी, जो उसके नाश्ते के बराबर नहीं था, एकदम आग बबूला हो गया। ये क्या शेर गुर्रा? खरगोश ने पल में पैतरा बदला, बोला महाराज जल्दी खा लो नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। क्या हो गया, इतने लेट क्यों आए? बोले महाराज मैं तो सही समय पर निकला था। हुआ क्या? बोले रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले राजा के पास। राजा वो नहीं, राजा मैं हूं, अधिकार मुझ पर है। महाराज क्या बताऊं, वो मुझे घेरे रहा, मैं झाड़ी में छुप गया, मैं झाड़ी में छुप गया, 3 घंटे तक छुपा रहा। फिर वो इधर उधर आ गया तो मैं छुपता छुपाता आपके पास आ गया। महाराज मैं छोटा प्राणी था इसलिए आ गया, कल से बड़े प्राणी को घेर ले तो मुझे नहीं मालूम, बड़ा कद्दावर शेर है। अच्छा कौन सा शेर है, कहाँ है वो? बोले चलिए मैं आपको बता दूँ, उसका गुफा मैंने, उसकी गुफा मैंने देखी है। अब क्या है, शेर कहा चलो उसको पहले निपटाता हूँ। खरगोश शेर को लेकर के गया, खरगोश के पीछे पीछे शेर गया, और खरगोश आगे जाकर एक कुआं के पास गया। कुआं के मुडेर से सट कर कहा महाराज इसी गुफा में मैंने उसे जाते देखा। शेर ने मुंडेर में झाँका, उसका प्रतिबिंब उस पर पड़ा, देखा कि अंदर शेर है। इसने दहाड़ लगाई, नीचे के शेर ने भी दहाड़ लगाई। फिर क्या था, चैलेंज मिल गया, आपा खोया, उसी में कूद करके गिर गया। और खरगोश सकुशल लौट करके आ गया। कहानी अपनी जगह है, लेकिन बात केवल इतनी है, जो केहरी बपु निरख कूप जल प्रतिमा जान परो। ये हमारी अपनी अज्ञानता का एक प्रतीक है। यथार्थ को जानने वाला व्यक्ति इसमें कभी उलझता नहीं है। फिर कहते हैं मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। बंदर को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है पता है? करना नहीं, नहीं तो तुम लोग कहोगे यहाँ बंदरों का आतंक। सामान्य रूप से बंदरों को पकड़ने के लिए सकरे मुंह के मटके रखे जाते हैं, और बंदरों को चना बहुत प्रिय होता है। तो क्या करता है जना, चना खाने के चक्कर में अपनी अपने हाथ को मटके में डालता है, मुट्ठी भर लेता है। अब मुट्ठी भर करके बाहर निकाले, मुंह छोटा है तो हाथ अटक जाता है, हाथ अटक जाता है तो उसे लगता है कि इसके अंदर कोई भूत है जिसने मुझे पकड़ लिया। और हाथ बाहर निकाल नहीं पाता, मुट्ठी ढीली करे तो हाथ अभी निकल जाए, लेकिन इधर उधर भरता है, मुझे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। उस चक्कर में मंदर भी पकड़ में आ जाता है। यही दशा तुम्हारी है।
महाराज बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, कोई रास्ता बताओ। एक बार मैंने ऐसे कहा, महाराज जब छोड़ूंगा छोड़ूंगा तब तक के लिए तो रास्ता बता दो, मानो मैं दुखी कर रहा हूं तुम्हें। मुट्ठी ढीली करो, हाथ अभी बाहर आएगा। आसक्ति छोड़ो, अभी तुम्हारे जीवन में सुख हो जाएगा। और कहत कबीर ललनी के सुगना तोहे कौन पकड़ो। तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया लोग ललनी लटकाते। ललनी क्या होती जानते? रस्सी के फंदे होते हैं इस तरह के, ऐसे मुड़े हुए। फंदे के बीच लगभग 10 इंच 12 इंच की लकड़ी लगाई जाती है, ऐसे फंसा दी जाती है, या ऐसे फंसा दी जाती है। इसको बोलते ललनी। तोते आकर के इस पर बैठते हैं, तो जब तोते इस पर बैठते हैं तो तोतों के वजन से ये झूल जाती है, लकड़ी झूल के ऐसे हो जाती है। तो तोते उस लकड़ी को ये सोच करके पकड़ लेते हैं कि यदि मैंने इसे छोड़ा तो मैं गिरा। तोता भूल जाता है कि अभी मैं उड़ सकता हूं, छोड़कर मैं आसमान में जा सकता हूं। लेकिन तोता उस ललनी को जोर से पकड़ लेता है और बहेलिए की पकड़ में आ जाता है। तो कबीर कहते, कहत कबीर ललनी के सुगना तो ये कौन पकड़ो। हकीकत तो यही है, ये बताओ चीजों को तुमने पकड़ा या चीजों ने तुम्हें पकड़ा? हाँ, किसने पकड़ा? और रो रहे क्या करे, छूटती नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, महाराज बीड़ी पीते थे वो, महाराज बीड़ी की आदत है, बीड़ी छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं, कैसे छोड़ूं? गुरुदेव ने कहा, बीड़ी छोड़ना बहुत सरल है। बिड़ी छोड़ना बहुत सरल? बोले कैसे? बोले ऐसे पकड़ते हो उंगलियों से? बोले हाँ ऐसे ही पकड़ते। बोले ऐसे कर दो। कैसे पकड़ते? ऐसे पकड़ते। बोले हाँ ऐसे ही पकड़ता। बोले ऐसे कर दो, बिड़ी अभी छूट जाएगी। बस ये ऐसे को ऐसे करने का ही तो खेल है भाइयों। क्या करना, ऐसे करना या ऐसे करना है? बस यही खेल है। और जब तक तुमने अपने मन से चीजों को नहीं उतारा, चीजें तुम पर हावी रहेगी और तुम्हारा जीवन दुखी दुखी और दुखी बना रहेगा। इसलिए इस अजीब के सत्य को समझो, भ्रम से मुक्त होकर यथार्थ को जानो, बिंब को पहचानो, प्रतिबिंब में कभी मत उलझो। जीवन तभी धन्य होगा। समय आप सबका हो गया है, मंगल भावना के साथ में विराम दूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो, मैत प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो, राग देश मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश मोह मिट जाए आत्म उज्ज्वल हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, करे सब पापों का क्षय हो,
इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल धर्म मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, सब जग में मंगल बढ़े सब अमंगल भाव है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव।